हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने जो सिंपल नेक है उसको डिज़ाइनर करना है, तो जो कुछ इस तरीके से मैंने इसे कुछ इस तरीके से बनाया है चौरस। तो आप चाहे कोई भी शेप बना सकते हैं, चाहे तो आप इसकी गोलाई भी दे सकते हैं, बट मैंने इसे कुछ इस तरीके से बनाया है। तो अब आपको क्या करना है कि मैंने कुछ इस तरीके से इसे सिलकर पूरा तैयार किया है। आप चाहे तो इसमें ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, तो मैंने सिंपल इसे ऐसे ही रखा है और ऊपर से इसके प्रेस की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से प्लेन बना लिया है, ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो। तो हमने कुछ लेस ली है, आप चाहे तो कोई भी लेस ले सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके से जो लेस होती है वाइट कलर की वो ली है। आप चाहे तो कोई और कलर की या फिर इससे बारीक भी ले सकते हैं थोड़ी, तो मेरे पास यही थी। तो मैं इससे ही बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाऊंगी। यह डिज़ाइन आपको बहुत ही सिंपल और आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे मशीन के पास लेकर आई हूँ और इसे अब इसकी सिलाई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ एक साइड में, और जहाँ तक सिलाई करने के बाद में आपको जहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा, कुछ इस तरीके से आपको इसके नीचे बिल्कुल इस तरीके से आपको थोड़ा ज़्यादा आधे इंच तक इसमें जहाँ से फोल्ड करना होता है, क्योंकि अगर जहाँ से आप ज़्यादा फोल्ड करोगे तो आप साइड से आपकी बहुत सुंदर बनेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर लेना प्लीज़। और हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और आप और तरीके के जहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन भी लेकर आएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने सिंपल गले को इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो इसी तरीके से आप घेरे पर भी इसे डिज़ाइन कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से मैंने इसे इसके साइडों में लगाया है। तो जहाँ से सिलाई की है, अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके सिलाई करने के बाद में इसे अब इसे मशीन से निकाले। आप चाहे तो दूसरी साइड उसी साइड से कर सकते हो। तो मैं दूसरी साइड से इसकी सिलाई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से जहाँ से पकड़कर आपको सिलाई करनी है, तो बनने के बाद में ये सिंपल है पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है सिंपल गला। अगर आपके पास इस तरीके से गोटा या फिर लेस कुछ भी पड़ा है, तो आप उसमें कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरीके से। जहाँ से थोड़ा निकल गया था मैंने कपड़ा, तो मैं इसमें डबल सिलाई करूँगी। जहाँ से आप चाहे तो दोनों साइडों से ही इस तरीके से आप डबल सिलाई कर सकते हैं, और जहाँ तक आपको फिर सिलाई करनी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने नेक को तैयार किया है, जो प्लेन सूट था मेरा। तो मैंने प्लेन सूट को ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइनर बनाया है। ये देख सकते हो आपकी बनने के बाद में आपको कितना सुंदर नेक दिखाई दे रहा होगा। इसमें कुछ नहीं है, मामूली सा ही एक गोटे से आप डिज़ाइन किया है। मेरे पास इतना ही था, नहीं तो मैं और भी डिज़ाइन बना सकती थी इसके। तो मेरे पास अभी इतना ही था, तो मैंने सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है इसका। सो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। आपको अब इसमें तरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलाई की हेल्प से ही आप इसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है।
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप हमें कमेंट करके बताते रहिए प्लीज़ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।